So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Techita Dattara and you are watching Technologically Techie. So today we are going to unboxing Artist BT800 जो है karaoke party speaker. So before starting our video, मैं आपको request करता हूँ अगर आप मेरे इस channel में नए हैं तो please subscribe करना ना भूलिए and उस notification bell icon को दबाना ना भूलिए कि आपको मेरे video का latest video का notification मिल पाए. So let's start our video. तो ये है हमारा Artist BT800 जिसे हम करने वाले हैं unboxing. अब हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग. अरे भाई क्या कैंची है, काती रही नहीं काती रहे, काती नहीं रहा है, क्या कैंची है भाई. ओ नो, बहुत अच्छा लग कैंची है ये तो भाई, कुछ काती नहीं रहे. वाओ, चाकू लेके आना पड़ेगा. तो ये रहा हमारा चाकू, अभी चाकू लेके काटना पड़ेगा उसको. मुश्किल हो गया यार. निकाल देंगे इसके कपड़े. ये क्या बोलेंगे, प्लास्टिक ही निकाल देंगे. ये रहा. अब करेंगे इसकी हम अनबॉक्सिंग. 1 and a 2 and a 3 and a 4. वाह क्या बात है, कार्टून के ऊपर और कार्टून देख सकते हैं. इसके ऊपर और कार्टून है, कार्टून के ऊपर और कार्टून लगाया गया है यहाँ में. निकालेंगे कैसे. 1 2 3 हेवी थी. तो अब है ये असली अनबॉक्सिंग. आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं आपको ऐसे मिलेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पैकेजिंग के बारे में. इसकी पैकेजिंग तो काफी अच्छी से अच्छी है. पैकेजिंग के बारे में बोले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं. ये क्या क्या दिया गया है, माइक इनपुट, एफएम रेडियो, कार्ड इनपुट, ऑक्स इनपुट, यूएसबी इनपुट, गिटार जैक, मेगा बेस फंक्शन भी देखने के लिए मिलता है. BT800 जो है, क्यों ब्लर हो रही कैमरा. तो ये सब ऐसा है, इसे देख दी है ये देखने के लिए. तो इसके पैकेजिंग के बारे में तो बोलने से बहुत ही अच्छा पैकेजिंग है. इसके पैकेजिंग आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर पैकेजिंग. मतलब इस बार कुछ फारके वर्के कुछ नहीं आया. इस बार मुझे अमेजोन ने ठीक से मुझे सामान भेज दिया. नाइस वर्क अमेजोन, थैंक यू. अब हम इसकी करेंगे असली अनबॉक्सिंग. चाकू से मैं कर लेता हूँ, एक हाथ से करना पड़ेगा, एक हाथ से अनबॉक्सिंग, एक हाथ से कैमरा पकड़ना, अकेला ही करना पड़ता है मुझे. लेकिन मेरी माँ मुझे सपोर्ट करती है एक बार ही पर. इसे कॉल लेते हैं. लीजिए हमने कॉल लिया. तो आपको क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं. सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलते हैं एक माइक, इसे हम यहाँ में रख देते हैं अभी के लिए. उसके बाद हमें देखने के लिए मिलते हैं कुछ कागजे का साथ में आपको चार्जर मिलते हैं चार्जिंग करने के लिए. उसके बाद यहाँ में देख सकते हैं कुछ यूएसबी केबल, बॉक्स केबल जिसे कुछ दिया गया है हमें. और ये है रिमोट जिससे आप इसके फंक्शन, इसके फंक्शन को यहाँ में कंट्रोल कर सकते हैं. यहाँ से आप जो भी बेस होते हैं, इको होते हैं, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं रिमोट से. तो उसको यहाँ रख देते हैं. उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं, हमें खोल लेते हैं. इसकी जो पैकेजिंग के बारे में बोलते, पैकेजिंग बहुत ही अच्छे से आई है. मैं इसकी मैं तारीफ करा बिना मैं नहीं रह सकता. पैकेजिंग के बारे में बोलेंगे तो पैकेजिंग बहुत अच्छे. तो ये हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट, तो इसे हम निकालना पड़ेंगे. सो 1 2 3 निकलेंगे हम. प्लास्टिक पूरा दबा गया है, प्लास्टिक को 1 2 3 आप रखा दाब रहा. इसे हम यहाँ पे अब भी उतार देते हैं यहाँ पे. उसके बाद इसे हम ऑन करके देखेंगे. तो ये है ऑन बटन, इसे हम दबा कर देंगे. ये तो चल रहा है. यहाँ में आपको क्या देखने के लिए मिलता है ये आप देख सकते हैं. तो इसे हम खोलेंगे तो ये आपको रिमोट मिलेंगे. यहाँ में एक रिमोट, इससे पूरे जो आपके ये जो ये स्पीकर को आप कंट्रोल कर सकते हैं इस रिमोट से. अब यहाँ में देख सकते हैं बहुत सारा फंक्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं यहाँ में, वॉल्यूम के. और यहाँ में ट्रेबल, बेस, इसमें इको का भी दिया गया है. इको प्लस, ये प्लस जो ये क्या बोलेंगे प्लस, यहाँ में जो प्लस मतलब की जो इको आपको बढ़ाएंगे, इसके बाद माइनस इको मतलब की ये आपका इको को कम करेंगे. और ये पास फॉरवर्ड का भी आपको ऑप्शन यहाँ में मिलता है हमें देखने के लिए. कैसे आप कर सकते हैं पूरा ये रिमोट से, इस रिमोट को आप यूज करना या आपके काफी काम आएंगे. क्योंकि ये स्पीकर में आपको कुछ
अलग चीज आपको ऐड नहीं होता है, जो बटन ऐड नहीं होते, इसलिए आप इस रिमोट को ठीक से रखना। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ में ये ऑक्स केबल, जिसे आप अपने फोन में लगाने के बाद जो स्पीकर में लगाएंगे ये दोनों को, जो रेड में रेड और व्हाइट को व्हाइट में डालेंगे, उसके बाद को आप अपने फोन में डाल लेंगे, तो ये ऑक्स केबल है। उसके बाद ये है चार्जिंग केबल, जो ये चार्जिंग करने के लिए ये केबल है, यहाँ से आप स्पीकर में घुसा डालेंगे, तो अगर आप स्पीकर में से घुसाएंगे तो ये स्पीकर चार्जिंग होगा। सबसे पहले हम देखते हैं ये स्पीकर चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो चार्जिंग करने के लिए मैं इसे इस वायर को जो मैंने अभी दिखाया था इसे आप यहाँ में घुसा देंगे, इसमें ऐसा ठीक से घुसा देंगे। उसके बाद इसमें आप ऐसे ठीक से अच्छे से घुसाने के बाद अब हम स्विच को ऑन करके देखते हैं, आप देखते हैं कि इसकी चार्जिंग हो रही है नहीं हो रही है। हाँ, ये चार्जिंग हो रहा है, ये जो आप दिखाई दे रहे हैं रेड जो आपको इंडिकेट कर रही है कि ये चार्जिंग हो रही है। सो यहाँ में बहुत ही सुंदर सर लोगो देखने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ में, और ये कुछ एलईडी लाइट है यहाँ में देखने के लिए मिलते हैं, और आप देख सकते हैं ये काफी सुंदर डिजाइन के साथ। और ये क्या है, ये मुझे पता नहीं, कुछ गुम होते डीजे वाला है क्या, जो डीजे चिक 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 कुछ चीज, ओ ये वॉल्यूम की है आई थिंक, हाँ ये वॉल्यूम की है। इस तरफ घुमाएंगे तो वॉल्यूम हाई होंगे, इस तरफ करेंगे तो वॉल्यूम डाउन होंगे, लेकिन देखने के लिए लगते हैं डीजे जैसे। और ये चुनने के लिए काफी मुलायम, काफी मजेदार है, काफी स्मूथ है, और आप देख सकते हैं ये इसकी मेन्यू बटन है। उसके बाद ये है बटन, काफी सारे दिया गया है, और ये है मोड बटन जो आप देख सकते हैं, इसमें आप माइक डाल सकते हैं, जो वायर माइक इसके अंदर पे डाल सकते हैं, और यहाँ में एचडी कार्ड आप डाल सकते हैं, और इसमें आप यूएसबी कार्ड डाल सकते हैं, और इसमें मेगा बेस की ऑप्शन भी आपको दिया गया है, जो आपके साथ जिसमें मेगा बेस आप देखने के लिए मिलते हैं काफी अच्छी आवाज के साथ ये। तो हम इसे ट्राई करेंगे, इसकी हम टेस्ट करेंगे कि इसकी साउंड कैसा है। इसकी काफी बेहतरीन लुक, काफी सुंदर से आया गया है, बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं पूरा आपको RGB के साथ में, RGB कहते हैं इसे जो लाइट निकलती है पूरी कलर, सुंदर कलर के साथ। तो अब हम इसके माइक को हम ट्राई करके देखते हैं कि इसके माइक के साउंड की क्वालिटी कैसे है। तो हम डाल लेते हैं ये बैटरी को डाल लेते हैं, ये आपको बैटरी यहाँ में फ्री में नहीं मिलते, वो डालना पड़ेगा यहाँ में बैटरी, डाल लेते हैं यहाँ में ऐसे घुसा कर, इसमें ऐसे डालेंगे, इसके बाद इसको ऐसे। उसके बाद हम इसके माइक को टेस्ट करके देखें कि ये ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही। तो अब हम इसके माइक को हम टेस्ट करके देखते हैं कि माइक के साउंड की क्वालिटी कैसे। सबसे पहले हमें बैटरी डाल लेना है इस रिमोट में, इसके बाद हम यहाँ से रिमोट से हम इको को कमती करके देखेंगे। सो मैंने बैटरी डाल चुकी है इसमें, तो डालने के अभी हम ट्राई करेंगे, इसकी कोशिश करके देखते हैं ये रिमोट चलते है। तो ये है, तो ये रेड वाला ऑफ बटन है, तो इसे मैं ट्राई करके देखता हूँ, ऑन ऑफ बटन है, आप देख सकते हैं ऑफ हो गया LED। अब मैं इसे ऑन करके देखता हूँ, तो ये ऑन हो गया। इसके हम इको कमती करके देखते हैं, तो अब माइक में हम बोल के देखते हैं, हेलो चेक चेक, हेलो चेक चेक, हेलो चेक चेक, तो इको कम कर देते हैं, इको हेलो चेक, हेलो हेलो, आप सुन सकते हैं इको कम हो गया। तो ये इको कम करने के लिए हमें दिया गया है, तो मैं एकदम इससे कम कर देता हूँ, हेलो चेक हेलो चेक, हेलो हेलो चेक हेलो, सुन सकते हैं आप। तो मैं आप सभी के लिए गाना गाना चाहता हूँ, तो ये है मेरे लिए, आपके लिए मैं गाना पेशकश करता हूँ। तेरे बिन कहा हमसे जिया जाएगा, तेरे बिन कहा हमसे जिया जाएगा, जिंदगी भाग कर हमसे आगे चले, दाम लो ना हमें इन हजारों तले। तो ये थी बस माइक टेस्टिंग, तो उसके बाद और क्या करेंगे, हर चीज टेस्ट हो चुकी है। तो आप सभी के लिए एक बीट बॉक्स में पेशकश करना चाहता हूँ, तो ये रहा आप सभी के लिए बीट बॉक्स। ये रहा था मेरा माइक टेस्टिंग। सो आपको कैसा लगा, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट भी डाउन बिलो। तो अब हम करने वाले इसके साउंड टेस्ट। तो साउंड टेस्ट करने के लिए मैं इसमें पेन ड्राइव घुसा दूंगी, पेन ड्राइव डालने के बाद हम इसके साउंड को सुनेंगे कैसे इसके साउंड है। यू डिस्क मोड, तो साउंड कम ठीक करेंगे। आप देख सकते हैं कितने सुंदर है इसके जो RGB है, काफी सुंदर है।
हिम पुपू दे सुनो हादू कु राग तो मैजिक बेस ऑन Pause. आप सुना है कितनी अच्छी इसकी साउंड है, जो आपको 10,000 के अंदर में इतनी अच्छी आपको मिल रही है, 11,000 के अंदर में आपको कितनी अच्छी स्पीकर मिल रही है। मेरे तरफ से तो बहुत अच्छा लगा मुझे, इसके स्पेक्स के बारे में, फंक्शन के बारे में जो भी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये स्पीकर आपके लिए बहुत ही अच्छा होने जा रहे हैं मुझे लगते हैं, और मैं आपको रिव्यू करूंगी इसको एक हफ्ता यूज करने के बाद। इसे कुछ हफ्ता तक यूज करने के बाद मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, ये स्पीकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो ये स्पीकर के बारे में बोल तो स्पीकर की क्वालिटी, साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, प्लस इसके बेस भी बहुत अच्छा है, जो मैंने इसके हर चीज मैंने ट्राई कर चुका। इसे मैं एक हफ्ता जिसे मैंने इसे यूज कर चुका हूँ, यूज कर करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो मैं ये कपड़ा पहना हुआ है, एक दूसरे में एक कपड़ा पहना हुआ है, वो सब मैं मतलब वीडियो बनाने के लिए मैं इसे कर रहा हूँ। इसे मैं बहुत पहले से यूज कर रहा हूँ एक तरह से। सो मतलब कि मुझे पर्सनली ये स्पीकर बहुत अच्छा लगा, और ये वीडियो कोई पेड प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है। मैं इसे अपने आप से, मैं जो मैं सामान खुद से खरीदने के बाद, आर्टिस्ट बीती 800 का मैंने खुद से खरीदने के बाद, मैंने अपने पैसे से मैंने खरीद के मैं इसे वीडियो बना रहा हूँ। सो प्लीज इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, थोड़ा तो सब्सक्राइब तो कर लेना चाहिए, थोड़ा आप लोग को इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देगी। तो आपको मैं मिलूंगा मेरी अगली वीडियो में, टेक्नोलॉजी देखी की अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ टेक्नोलॉजी देखी। आई लव यू ऑल, पीस, बाय बाय। Arjun Rajesh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.